नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं राइम एनिमे। और आज हम जिस एनिमे को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है फूड वॉर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फूड वॉर्स की स्टोरी हमारे मेन हीरो सोमा को फॉलो करती है, जो कि काफ़ी छोटी एज से ही अपने फादर की हेल्प कर रहा है उनका फैमिली बिजनेस संभालने में, जो कि असल में एक रोड साइड डाइनर है। और सोमा को उसमें काम करना बहुत पसंद भी है। लेकिन एक दिन अचानक उसके फादर अपना बिजनेस बंद करके फौरन चले जाते हैं और सोमा को टोट्सकी एकेडमी में इनरोल कर देते हैं, जो कि असल में एक कुकिंग एकेडमी है। पहले तो सोमा को अजीब लगता है कि उसे आखिर कुकिंग एकेडमी में क्यों ज्वाइन करवाया जा रहा है, जबकि उसके स्किल्स पहले से ही काफ़ी हाई हैं। लेकिन उसे यह बहुत ही जल्दी समझ आ जाता है कि ये वर्ल्ड की बेस्ट कुकिंग एकेडमी है, जहाँ पे जो ग्रेजुएशन रेट है वो 10% से भी कम है। और हमारी बाकी की स्टोरी उन स्कूल सेंटर्ड इवेंट्स में ही फॉलो होती है, जिसका कि सोमा असल में एक हिस्सा होता है। इस स्टोरी में हमारे पास मेनली दो प्लॉट पॉइंट्स हैं, जो कि है उनकी फूड वॉर, जिसे कि हम शोकुगेकी भी कहते हैं, और एलीट काउंसिल ऑफ 10। तो जो शोकुगेकी या फूड वॉर है, जिस पे कि इस एनिमे का नाम भी पड़ा है, वो असल में इस स्कूल की एक स्पेशल स्पोर्ट है, जिसमें कि दो कम्बेटेंट्स एक दूसरे के साथ कुकिंग बैटल करते हैं जब भी उनके बीच कोई डिसएग्रीमेंट खड़ा हो जाए। जैसे कि अगर क्लब को तोड़वाया जा रहा है और क्लब वाले नहीं चाहते कि वो क्लब को बंद किया जाए, तब वो डायरेक्टली ऑर्डर पास करने वाले को चैलेंज कर सकते हैं कि उनके क्लब को ना तोड़वाया जाए, अगर वो उस चैलेंज में जीत जाते हैं, यानी कि उस फूड वॉर में जीत जाते हैं। और फिर हमारे पास है एलीट 10 की काउंसिल, जो कि इस स्कूल की मेन स्टूडेंट बॉडी है, जिसमें कि उस स्कूल के 10 बेस्ट स्टूडेंट शेफ्स हैं, और साथ ही साथ उनकी पावर भी डायरेक्ट चेयरमैन के अंडर आती है। सोमा डिसाइड कर लेता है कि उसे एलीट 10 में नंबर 1 की पोजीशन चाहिए। तो स्टोरी और प्लॉट जो है वो इस शो का काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो करेक्टर्स में आती है। पहली बात तो ये कि इस शो में बहुत सारे करेक्टर्स हैं और पहले से ही मुश्किल हो जाता है उन करेक्टर्स के साथ काम करना। मेन प्रॉब्लम इस जगह पे आती है कि करेक्टर्स को कितना इनकंसिस्टेंट तरीके से लिखा गया है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हमारा मेन करेक्टर सोमा ही सबसे बड़ी एग्जाम्पल होगा। स्टोरी के शुरुआत में उसे एक ओवर पावर टाइप प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया था, जिसको कि ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती किसी भी सिचुएशन को फेस करने में, और हर एक चैलेंज पे बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करता है। लेकिन अगले कुछ सीजन्स में उसे एक अंडरडॉग टाइप प्रोटैगनिस्ट दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें कि बताया गया कि सोमा में कोई खास टैलेंट वगैरह नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने हार्डवर्क के करके सबसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है और हर एक चैलेंज को फेस करता है। और इस तरह की इनकंसिस्टेंसी आपको दूसरे और कुछ करेक्टर्स में भी देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो करेक्टर स्टैंड आउट थे और जिन्हें बढ़िया डेवलपमेंट भी मिली, वो थे मैगमी, एरिना और आकिरा। इन तीनों की ही पर्सनैलिटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ बहुत ही बढ़िया सपोर्टिंग करेक्टर्स भी हैं, जैसे कि एलिस और रियो, जिनकी की करेक्टर इंट्रैक्शन हमेशा ही बहुत ही मज़ेदार और कई बार बहुत ही फनी भी होती थी। और फिर हमारे पास कुछ वेस्टेड करेक्टर्स भी हैं, जिनका कि पोटेंशियल कभी भी सही से एक्सप्लोर नहीं किया गया, जिसमें कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी एग्जांपल होगी सातोशी की। स्टोरी की काफ़ी शुरुआत में ही हमें सातोशी का करेक्टर दिखाया गया था और ये बताया गया था कि वो कैसे एलीट 10 का मेंबर है और वो सोमा के डॉम में भी रहता है। तो आपको ये लगता होगा कि उसका स्टोरी में काफ़ी बढ़िया रोल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सीजन 3 में जाकर, सीजन 3 पार्ट 2 अगर मैं सही से बताऊँ तो, उसमें हमें सातोशी से कुछ एक्शन देखने को मिला। और उससे पहले कुछ ऐसे मूमेंट्स भी थे जहाँ पे सातोशी को यूज़ किया जा सकता था, लेकिन राइटर्स ने उसे स्टोरी से ज़्यादातर दूर रखने की ही सोची। तो लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स और उनकी इनकंसिस्टेंसी इस शो को थोड़ा अंडरमाइन ज़रूर करती है। और उसके बाद हमारे पास है इस शो में फ़ैन सर्विस और रेफरेंसेस। कई लोग ये समझते हैं कि जो फ़ैन सर्विस है वो इस शो में सिर्फ एक आई कैंडी की तरह ऐड की गई है, जिसका कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से कई मोमेंट्स पे इसका इम्पोर्टेंस है और कुछ पे नहीं है, बिकॉज दी फैन सर्विस एक आर्टिस्टिक चॉइस है, जिससे कि ऑडियंस को दिखाया जाता है कि आखिर फूड कितना बढ़िया बना है या फिर उसे खाकर जजेस को किस तरह से फील हो रहा है। और जो रेफरेंसेस हैं वो सिर्फ थोड़े मज़े और लाफ्स के लिए ऐड की गई हैं, जैसे कि अब आप ही बताएं किसको जोजो रेफरेंस पसंद नहीं होती। इसके बाद मैं एनिमेशन की बात करूं, तो एनिमेशन में हमारे पास पहले आर्ट स्टाइल तो बहुत ही सुंदर है और एक्चुअल एनिमेशन में भी ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट होते हैं
मेरे हिसाब से जिनमें सबसे ज़्यादा ऑल आउट जाया जाता है एनिमेशन डिपार्टमेंट में, वो मेरे हिसाब से इसके फैन सर्विस मूवमेंट होते हैं। खाना खाने के बाद जो ब्राइट और कलरफुल कंपाइलेशंस दिखाए जाते हैं, उनमें बहुत तरीके की वेरिएशंस होती हैं, और इसीलिए ये चीज़ जितनी बार भी रिपीट की जाए ये कभी पुरानी नहीं लगती। इसके बाद टाइम है कुछ फाइनल थॉट्स का। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे कई बार इस शो में दिखती है वो ये कि जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़ते हैं ये फूड बनाने की और ज़्यादा डेप्थ में जाने लगता है। जैसे कि हर एक टाइम पे हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि आखिर फूड को किस तरीके से बनाया गया है या कौन सी डिश को किस डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर किया गया है, और मुझे नहीं लगता कि हम में से ज़्यादातर को ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता होगा। हाँ, अगर आप में से कुछ लोग आगे शेफ बनने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता होगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस शो को इसकी स्टोरी के लिए देखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और दूसरी बात ये कि ये सीरीज़ फ़िलहाल ऑनगोइंग है, तो आपको इसका अभी तक एंड देखने को नहीं मिलेगा। इसके अभी तक 4 सीज़न आ चुके हैं, वैसे 3 सीज़न्स टू बी प्रिसाइज, बिकॉज तीसरे सीज़न को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और इसके शो को 4th सीज़न के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एट दी एंड मैं इस शो को 8.5 out of 10 की रेटिंग देना चाहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मेरा आज का रिव्यू ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको पता लग जाए कि मेरी अगली वीडियो कब आ रही है। थैंक यू एंड गुड बाय।